दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी से डायनासोर का अंत हुआ था तब हमारी मानव सभ्यता का जन्म हुआ और इसमें कई सालों का वक्त लगा था। पर दोस्तों, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे थे और कई सारे सवाल जो कि हमारे इंसानी दिमाग में खलबली मचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डायनासोर के गायब होने के कुछ मिनटों बाद क्या हुआ होगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप ऐसा मिस्टीरियस नॉलेज गेन कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। दोस्तों, 66 मिलियन ईयर पहले हमारी धरती से डायनासोर लुप्त हो चुके थे और यह हर कोई जानता है कि यह एक जाइंट एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था। पर उसके बाद क्या बदलाव हुआ? मेसोजोइक एरा के अंत में एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया जिसका डायमीटर लगभग 11 से 80 किलोमीटर या कहें 7 से 50 माइल तक था। अगर हम कंपेयर करें तो वह एस्ट्रॉइड यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी जितना साइज में बड़ा था। पर आपके मन में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा कि मेसोजोइक एरा क्या है, तो हम आपको बता दें, मेसोजोइक एरा लगभग 252 से 66 मिलियन ईयर पहले भूवैज्ञानिक समय का पीरियड है। इसे दी एज ऑफ रेप्टाइल्स और दी एज ऑफ कॉनिफर्स भी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे जैसे पेट्रोसोरस और मेसोसोरस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेसोजोइक एरा क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब एस्ट्रॉइड का एक एंड अर्थ से टकराया तब उसका दूसरा एंड इतनी हाइट पर था जहाँ पर हमारे फ्लाइट्स फ्लाई करती हैं। जब वह हमारी धरती से टकराया तो उसने इतना बड़ा गड्ढा बनाया जिसका साइज गल्फ ऑफ मेक्सिको के साइज से आधा था, मतलब 150 किलोमीटर तक का वह गड्ढे का डायमीटर था और उसकी डेप्थ 20 किलोमीटर तक थी। और इसका अंजाम यह हुआ कि पूरी अर्थ पर सुनामी आ गई, बड़ी बड़ी लहरों से पूरे समुद्र में हाहाकार मच गया जिसकी हाइट लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा थी। और कंपेयर करें तो लगभग लहरों की ऊंचाई एफिल टावर जितनी थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से जो पहली लहर उठी वो लगभग 1.5 किलोमीटर यानी एक के ऊपर एक 5 एफिल टावर रख दें तो जितनी हाइट होगी उतनी ऊंची लहरों की हाइट थी। एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोजन फेमस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेजर बाम्बू से 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। हज़ारों किलोमीटर तक के जंगल पेड़ पौधे सिर्फ एक सेकंड के अंदर ही नष्ट हो गए थे। कई साइंटिस्ट का मानना है इतनी तबाही तभी होगी जब 100 ट्रिलियन टन TNT एक साथ एक्सप्लोड हो जाए। इसकी वजह से कई लैंडस्लाइड भी हुई और इसी ने जन्म दिया एक नई सुनामी को जो कि अर्थ के लिए बड़ा खतरा थी। पर यह तो अभी शुरुआत ही थी। इतनी तबाही और डिजास्टर होने के बाद डायनासोर की एक बड़ी प्रजाति डिप्लोडोकस नष्ट हो गई थी। छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल और अदर फ्रेगमेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैल गए थे और लगभग 40 मिनट बाद जब वह ऊपर से अर्थ पर गिरे तब वह इतने स्पीड में थे कि वह ग्लास के पीसेस के समान गिर रहे थे। उसकी इतनी एनर्जी थी जो कि लगभग 20 मिलियन मेगा टन TNT के बराबर थी जिससे रॉक के पार्टिकल हीट में कन्वर्ट होते जा रहे थे और पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो चुका था। अब हमारी धरती किसी नर्क से कम नहीं लग रही थी। इतनी भयानक सुनामी, अर्थक्वेक, पत्थरों की बारिश और एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से लगभग सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल और हवा में उड़ने वाले जीव सिर्फ कुछ ही घंटों में मर चुके थे। धरती का लगभग 75% डेंस ग्रीन फॉरेस्ट आग में समा चुका था। इसमें कई प्रकार के मेमल्स भी मारे गए थे जिनका वेट लगभग 25 किलोग्राम तक का था। एटमॉस्फेयर में एसिड रेन होने से समुद्र का पानी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो गया था। इस वजह से कई सारे समुद्री सतह पर रहने वाले जीव और धरती के छोटे पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। इतनी आग और तबाही होने से धरती के एटमॉस्फेयर में धुएं और धूल के कणों के बादल बन गए जिस वजह से धरती की सतह पर एक साल तक सन रेज नहीं पहुंची। पर अभी भी एक्वेटिक लाइफ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ एक्वेटिक एनिमल थे जैसे क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स जो कि सर्वाइव कर गए। धरती का माहौल कुछ ऐसा था जैसे कि मून का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि लगभग सारे बड़े जीव खत्म हो चुके थे और हमारी धरती पर जीवन थम सा गया था। इसके बावजूद भी कुछ स्पीसीज ऐसी थी जो कि सर्वाइव कर गईं और उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू किया और ये धरती फिर से रिपॉपुलेट होने लगी। कुछ सालों बाद जहाँ पर एस्ट्रॉइड टकराया था उससे बने क्रेटर में फेरोमिनीफेरा नाम का सिंगल से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आया। इसके बाद धीरे धीरे फर्म टाइप के प्लांट स्पीसीज उगने लगे, क्योंकि इनकी खास बात ये थी कि कम जगह और खराब एटमॉस्फेयर में भी ये सर्वाइव कर सकते थे। कम हाइट वाले पेड़ पौधे होने की वजह से धीरे धीरे छोटे मेमल्स जिनका वेट लगभग 600 से 700 ग्राम तक होता था, ये मेमल्स इन छोटे फर्म को खाकर जिंदा रहते थे और फिर धीरे धीरे कुछ फल फूल बीज वाले पौधे उगने लगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पर इसके लगभग 1 लाख साल बाद छोटे जीवों का साइज बढ़ने लगा, क्योंकि जो किसी समय पौधे के रूप में फर्म हुआ करते थे वो भी इवोल्यूशन के कारण जाइंट पाम ट्रीज के फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए जिसे पाम पीरियड भी कहा जाता है।
अब कंडीशन कुछ ऐसी थी कि लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए सफिशियंट फूड था, और कुछ 2 लाख साल बाद यही पाम ट्रीज फॉरेस्ट पिकोन पाइन नामक ट्रीज के फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगे। दोस्तों, इस पेड़ में पाई नहीं लगती थी, इसे पिकोन पाई इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशियस वाले फल लगते थे, जिस वजह से मेमल्स का साइज 3 गुना तक बढ़ गया था और अब इनका वजन कुछ 25 किलो तक हो गया। और इसी प्रकार पेड़ पौधों के इवोल्यूशन के साथ मेमल्स का भी इवोल्यूशन जारी रहा। इसके कुछ 7 लाख साल बाद हमारी धरती पर फलियाँ उगने लगी जो कि प्रोटीन से भरपूर थी, जिसकी वजह से मेमल्स की ग्रोथ रेपिडली होने लगी। अब उनकी साइज़ फर्म पीरियड के कंपेरिजन में ज़्यादा थी। अब इनका वेट 50 केजी तक होने लगा, जो कि आज के समय के चीता और लोमड़ी के समान थे। पर दोस्तों, समुद्र का इवोल्यूशन बहुत ही धीमी गति से हो रहा था और एक्वेटिक लाइफ को रिकवर होने में लगभग 30 लाख साल का वक्त लगा। दोस्तों, कुछ एनिमल ऐसे भी थे जो या तो एक्वेटिक हुआ करते थे या फिर टेरेस्ट्रियल, पर इवोल्यूशन ने उन्हें एक्वाटेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, सम टाइप्स ऑफ स्नेक्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। कुछ उड़ने वाले जीव जिन्हें खाने की तलाश ने तैरना सिखा दिया। कुछ पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहने लगे और कुछ जमीन पर, जिन पक्षियों की डिपेंडेंसी दूसरे जीवों को मारकर खाने की थी, जिन्हें कार्निवोरस कहा जाता है, उनका साइज पेड़ों की पत्ती और फल खाने वाले पक्षियों से बड़ा होने लगा, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि हमारी धरती पर जीवन दोबारा शुरू हो गया और इस प्रकार होमो स्पेशियंस एग्जिस्टेंस में आए और इवोल्यूशन जारी रहा और जो आज तक चल रहा है। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि वह एस्ट्रॉइड इंसानों को जन्म लेने के लिए डायनासोर का काल बनकर आया था, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत ना होता तो शायद हम और आप आज बात नहीं कर रहे होते, या फिर डायनासोर ह्यूमन फ्रेंडली होते या नहीं। साइंटिस्ट कई सालों से डायनासोर के फॉसिल पर रिसर्च कर रहे हैं और वह उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं, पर ऐसा करना क्या इंसानी सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज की कंडीशन कुछ ऐसी है कि बिना किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर के हम हमारी धरती को अंत की ओर धकेल रहे हैं ड्यू टू पॉपुलेशन पोल्यूशन एंड अनअवेयरनेस टूवर्ड द नेचर। पर नेचर को भी अपने आप को रिकवर करना आता है। दोस्तों, आज भी अगर हम इंसान नहीं संभले तो दूसरा डिजास्टर होना तय है। धरती तो उस डिजास्टर को झेल जाएगी, पर इंसानों का अस्तित्व शायद ही बचेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।